हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल में भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूकंप को। तो भूकंप भूकंप सबसे पहले कि है क्या, तो पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक घटना। पृथ्वी पर अगर कोई आकस्मिक घटना होती है, पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक कंपन, आकस्मिक रूप से अगर कंपन हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। ठीक है, भूकंप जो ये कंपन है, इसको मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी सिस्मोग्राफ की सहायता से इसे मापा जाता है। ठीक है, और किस किस कौन से स्केल पर, रिक्टक रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, ये रिक्टर स्केल जो होता है, इसका पैमाना होता है मतलब 0 से 9 तक का पैमाना होता है। अगर 0 से 3 तक लिया गया कि 3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, इसका मतलब भूकंप क्या होगा, हल्का होगा। यदि 4 से लेके 6 तक आया है तो मध्यम गति का भूकंप आया है, और यदि यही 7 से या 6 से, यहाँ 5 कर दीजिए, 6 से 9 तक आया है तो वो शक्तिशाली भूकंप कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं तीव्रता का। इसे कहते हैं रिक्टर स्केल को क्या कहते हैं, तीव्रता का मापन, यानी कितना तीव्र आया है भूकंप की तीव्रता का मापन। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तीव्रता का मापन है। ठीक है, ये जो निकाले थे रिक्टर स्केल जिसे कहते हैं, इसके निकालने के लिए वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रिक्टर। कभी कभी एग्जाम ये पूछ देता है, चार्ल्स रिक्टर जिन 1935, और ये जो थे यूएसए के थे। कहाँ के थे, यूएसए के थे। ठीक है ना, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है। ये भूकंप जो है, भूकंप के अध्ययन को, यानी भूकंप को अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये ध्यान से समझिएगा, दोनों में, इसमें और इसमें अंतर है। सिस्मोग्राफ कहते हैं जिससे भूकंप की तीव्रता को, यंत्र जो है जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। आज सिस्मोग्राफ द्वारा जिस स्केल पर, जैसे तराजू से किसी चीज़ को तौलते हैं और उसको बाट से क्या करते हैं, बाट से उसका स्केल होता है, बाट से उसको क्या कहते हैं, 1 किलो 2 किलो इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से भूकंप जो है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप यदि पृथ्वी पर आया तो उसे हम भूकंप कहते हैं, पृथ्वी पर आएगा तो, पृथ्वी पर आएगा तो यानी भूमि पर, और यही अगर सागर में आ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सुनामी कहते हैं। सुनामी ये एक जापानी लैंग्वेज है, जापानी भाषा है, जापानी। सुनामी हो गया, भूकंप यदि कहाँ आ गया, सागर में आ गया, महासागर में आ गया, तो उसे हम सुनामी कहेंगे। ठीक है ना, और पृथ्वी पर यानी भूमि पर आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप के नाम से जानते हैं। सुनामी को मापा जाता है सुनामीटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, सुनामीटर से मापा जाता है। यदि पृथ्वी पर रेडोन की मात्रा बढ़ जाती है, रेडोन गैस की, तो समझिएगा कि पृथ्वी पर इसे क्या, मैंने पृथ्वी पर अगर रेडोन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये भूकंप आने का संकेत हो सकता है। यानी भूकंप आने से पहले रेडोन गैस की मात्रा क्या हो जाती है, पृथ्वी पर बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 100 भूकंप आती कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। ये भूकंप, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 100 किलोमीटर नीचे क्या होता है, एक और प्लेट होती है जो आपस में क्या करती है, गति करती रहती है। कभी इस तरह से गति करती है ना, दो प्लेटें ऊपर नीचे की ओर। ठीक है ना, कभी ये एक इधर चला गया, आगे पीछे की ओर करती रहती है, कभी दोनों एक दूसरे की ओर इस तरह से करती है। ठीक है ना, तो अगर ये वाला जो गति है ऊपर नीचे की ओर गति कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूपांतर गति। जो गति है
इधर में एक दाएं एक बाएं जा रहा है तो इसे कहते हैं अपसारी गति, और जब दोनों एक ही तरफ करती है तो इसे कहते हैं अभिसारी गति। रूपांतर गति के कारण भूकंप आता है। भूकंप आने का कारण क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी गति है, तो रूपांतर गति आप लोग लगा दीजिएगा। अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी ये घटनाएं जो होती हैं वो अपसारी गति के कारण होती है, ठीक है। और अभिसारी गति के कारण होती है जो पर्वतों का निर्माण होता है वो होता है पर्वत निर्माण। इसमें हम लिख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर जाइएगा, ठीक है। तो ये तीन गतियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में जो एक्सरसाइज आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, इतना आप अभी इसको जान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लेट है, तो प्लेट में क्या होता है, नीचे में कहीं पर कंपन हो गया यहाँ पर, तो ये जहाँ पर ये कंपन स्टार्ट हुआ, ठीक है, पृथ्वी पर जहाँ पर ये कंपन स्टार्ट हुआ उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र, या फोकस भी कहते हैं, फोकस, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं मूल केंद्र, या हम कह सकते हैं भूकंप केंद्र, एक ही नाम से जाना जाता है। और ये भूकंप जाकर पृथ्वी पर जाके, पृथ्वी के नीचे आएगी, लेकिन पृथ्वी पर जाकर धरातल पर जब टकराएगी तो जहाँ पर सॉरी धरातल पर जहाँ पर टकराएगी इसको कहते हैं अधिकेंद्र, इसको कहते हैं अधिकेंद्र। जहाँ पर ये पृथ्वी पर जाके क्या होगी, टकराएगी, उसे कहते हैं अधिकेंद्र, इंग्लिश में कहते हैं एपी सेंटर, ठीक है, उत्केंद्र भी बोलते हैं इसको, तो कई नाम से जाना जाता है, सभी नाम हम आपको बता दिए हैं, अगर इस तरह से आएगा तो आप उसे बना लीजिएगा आराम से एग्जाम में, ठीक है। भूकंप में मुख्यतः तीन तरह के PSL गतियां होती हैं, मुख्यतः तीन तरह की गतियां लिख देते हैं, तीन तरह के कंपन होते हैं, ठीक है। पहला PSL, तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं P, इसको कहते हैं प्राथमिक, प्राथमिक तरंगे, इंग्लिश में से हम कहेंगे प्राइमरी वेव्स, ठीक है। सेकेंड होता है S, इसको कहेंगे सेकेंडरी वेव्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं गौन तरंगे, गौन तरंगे, इसे फिर तीसरा जो है इसे कहते हैं एल तरंगे, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड वेव्स, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धरातलीय तरंगे। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और बस आपका भूकंप समाप्त हो जाएगा। तो पी तरंगे जो हैं उसमें याद रखने का चीज है, इसे हम लोग अनुदैर्ध्य गति होती है, मैंने अनुदैर्ध्य गति में के रूप में ये चलती है, सॉरी ये तरंगे मैंने प्राथमिक तरंगे, ये अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में होती है, ठीक है। गौण तरंगे, इस तरंगे को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं नाम है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी सबसे स्पीड यही चलती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो गति होती है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो लास्ट है इसकी गति है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये सबसे स्लो होता है, ठीक है ना, ये सबसे फास्ट होता है, ठीक है, यानी इसका वेग कितना है, इसका 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, ये सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक स्पीड इसी का होता है, ठीक है। और ये जो है केंद्र से होकर जाने वाली ये ओनली वन तरंग है जो केंद्र से होकर भी गुजर जाती है, ठीक है ना, और ये ठोस, द्रव और ठोस द्रव में होकर जा सकती है। ये ठोस और द्रव, यानी ठोस द्रव का मतलब हो गया पृथ्वी का ठोस भाग है, और पृथ्वी के क्रोड में क्या है,
द्रव्य भाग है, तो ये यानी ये पृथ्वी के केंद्र से होकर भी जाती है इसी कारण से, ठीक है ना। ये ठोस और द्रव्य दोनों में जा सकती है ये तरंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ठोस से सब जब द्रव्य में जाएगी तो इसकी गति थोड़ी कम हो जाती है। ये जो है ओनली ठोस में जाती है, ठोस माध्यम में ओनली, ठीक है। यानी इसका मतलब ये तरंगे केंद्र की ओर नहीं जाती है, और ये जो तरंगे है ये ओनली धरातल पर ही रहती है, धरातल पर, इधर उधर नहीं जाती है, ओनली धरातल पर। धरातल का मतलब क्या होगा, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो ये सिर्फ धरातल, यानी ऊपर ऊपर ये रहती है। ये तरंगे जो रहती है वो नीचे की क्रोड़ तक भी जाती है, ठीक है ना। ये जो तरंगे हैं ठोस भाग तक यहाँ तक जाएगी, ये नीचे इसमें नहीं जा पाती है, ठीक है। इसमें समझ में आ गया, ये धरातलीय तरंगे है भी कहते हैं इसको। एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहते हैं, जो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धरातल तक ही जाती है, ठीक है। तो अब इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन तरंगे क्रोड़ तक जाती है, तो ये क्रोड़ तक जाती है, पी तरंगे क्रोड़ तक। पृथ्वी में क्रोड़ है ना, बीच में, सबसे बीच में क्रोड़ कहते हैं उसे, ये क्रोड़ तक नहीं जाती है, जाती है, क्रोड़ तक नहीं जाती है। ये क्वेश्चन बनता है ऐसा, क्वेश्चन पूछेगा आपका कि कौन से ऐसे तरंगे हैं जो पृथ्वी के क्रोड़ तक जाती है, ठीक है। ये जो तरंग है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जाती है, लेकिन ये धरातल पर रहती है, ठीक है ना। नीचे वो नीचे नहीं आती है, ये धरातल पर रहती है ओनली, नीचे की ओर नहीं आती है, ठीक है। इसलिए ये भी केंद्र की ओर नहीं जाएगी, कि नीचे आती ही नहीं है, ऊपर में ही रहती है, इसलिए इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। धरातलीय तरंगों के जो खोज करता थे वो HD लव नाम था, ठीक है। HD लव खोज करता, इस तरंग के खोज करता थे, तो ये खोज करता कौन थे, HD लव। इसी कारण इस तरंग को लव वेव भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन कर दिया कि लव वेव क्या है, तो धरातल यानी एल तरंगों को लव वेव कहा जाता है। क्वेश्चन दे सकता है ऐसे कि लव वेव क्या है, और उसमें दे देगा PSL तरंगे, और एक और दे देगा नाम आपको अलग से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एल तरंग पर टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। इन तरंगों में सबसे कम स्पीड इसका है, तो अब पूछा जाएगा इसमें कि सबसे जो विनाशकारी होता है वो कौन सी तरंगे होती है, तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये तरंगे होती है। कौन तरंगे हैं, एल तरंगे विनाशकारी, जो सबसे धीरे आती है, सबसे ज़्यादा विनाश यही करती है। ये जो इतना पढ़े हम लोग, ये भूकंप उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, भूकंप की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये पूरे सिद्धांत को किन्होंने दिया है, रीड ने दिया है, ठीक है ना, जिसे प्रत्यास्थ पुंस्चलन सिद्धांत कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, प्रत्यास्थ पुंस्चलन सिद्धांत कहते हैं। कौन दिए हैं, रीड महाराज ने दिए हैं, रीड एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने दिए हैं। क्या नाम दिया है, प्रत्यास्थ पुंस्चलन सिद्धांत, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा भूकंप समझ में आ गया होगा। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उन्हें उनका सबका जवाब दे सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे और डिटेल में आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए अगर पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।